नमस्कार, द एजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सरद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर एक एक्टिविटी सुर्खियां बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के हुनर हाट में जब लिट्टी खाए तो कल से लेकर आज तक इंटरनेट पर लिट्टी ट्रेंड कर रहा है, ट्रोल कर रहा है। कई लोग तो यह भी कहे कि बिहार में चुनाव होना है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिट्टी चोखा खाने के लिए पहुंच गए। लेकिन राजनीति से इतर जब लिट्टी चोखा का जिक्र हुआ है और उसमें बिहार झारखंड का लिट्टी चोखा का जिक्र ना हो तो थोड़ा अधूरा सा लगता है। इस वक्त हम राजधानी रांची के हाईकोर्ट चौक के पास हैं, जहां पर भोला लिट्टी, जो कहा जा सकता है कि बिहार झारखंड का बहुत ही फेमस लिट्टी का यह दुकान है। भोला लिट्टी की खासियत यही है, इस ठेले की लिट्टी आज जोमेटो स्विगी के साथ साथ ऑनलाइन जितने भी ऑर्डर होते हैं यहाँ से लिट्टी भेजे जाते हैं, यानी ऑनलाइन ऑर्डर कर लोग यहाँ से मंगवाते हैं। इसके साथ साथ किसी भी तरह से यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड स्वैप कर पेमेंट कर सकते हैं, साथ ही पेटीएम और तमाम जितने भी सुविधाएं हैं उससे आप पेमेंट कर यहाँ पर भुगतान भी कर सकते हैं। क्या कुछ खास है भोला लिट्टी का और क्यों आखिर फेमस है भोला लिट्टी, इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ आप पहले देखिए पूरा ठेला दिखा दें, एकदम साधारण सा ठेला जो किसी भी नुक्कड़ पर किसी भी चौक चौराहों पर आपके दिखती होगी उसी तरह से ये ठेला है। लेकिन ठेले के चारों तरफ ये भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर भोला लिट्टी का क्यों आखिर डिमांड है और क्यों जब लिट्टी का जिक्र होता है तो भोला लिट्टी का जिक्र होना ज़रूरी हो जाता है। आप देखिए हमारे साथ भोला जी हैं, यहाँ प्राइस टैग लगा हुआ है कि कितने का लिट्टी है और यहाँ भोला जी लिट्टी बना रहे हैं। भोला जी कैसे हैं? हाँ ठीक है, बहुत बिजी हैं लग रहा है। ठीक है सर, बोलिए। जब प्रधानमंत्री कल लिट्टी खाए पता चला ना, उसके बाद कुछ बिक्री बढ़ी है क्या? हाँ थोड़ा बिक्री तो बढ़ी है। हाँ बोलिए। तो प्रधानमंत्री जब खाए तो कैसा लगा आपको? एक बार हम भी सोच रहे हैं कि अपना लिट्टी खिलाऊं प्रधानमंत्री को। अच्छा हाँ, अब कैसे खिलाया जाएगा वो तो बताइए, तब फिर हम खिलाते हैं उनको। अगली बार हुनर हाट दिल्ली जाने के लिए सोचे हुए। अच्छा, आप भी जाइएगा हुनर हाट? हाँ हाँ एकदम जाएंगे, खिलाएंगे मोदी जी को। अच्छा भोला का लिट्टी इतना क्यों फेमस है? इसमें शुद्ध मसाला, शुद्ध सारा सामान है। अच्छा, इसलिए मजा है इसमें। दिल से बनाते हैं। हाँ, पूरे मन से बनाते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज से ऑर्डर सुने की जोमेटो वगैरह में भी है? हाँ, जोमेटो से है, स्विगी से है, DOW एक है। हाँ, ये तीनों लोग ले जाते हैं ऑर्डर करके। हाँ, सभी जगह से जी मतलब जी ऑर्डर किए जा सकते हैं जी। आप सुने कि कैश वगैरह नहीं लेते हैं? हम जैसे आपको जिस तरीका से पेमेंट करना कीजिए, कार्ड से कीजिए, पेटीएम कीजिए, भीम से कीजिए, सब हम एक्सेप्ट करते हैं। कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए? आने को तो पूरे ओवर इंडिया से आते हैं। अच्छा, जो रांची आ गए हैं भाई। हाँ, एक बार सुनते हैं तो चलो भाई भोला का लिट्टी खाते हैं और वो हमारा नक्शा देख करके हमारा दुकान आ जाते हैं। अच्छा, गूगल में भी आपका है? नहीं जी जी जी, गूगल। और सुने कि यहाँ से जो है लिट्टी जो है दूसरे जगह भी जाता है, सुनते हैं कि हर दिन हवाई जहाज पर आपका भी लिट्टी? हाँ जी हाँ, आए दिन मतलब हमारा लिट्टी हवाई जहाज चढ़ता है। अच्छा हाँ, कहाँ कहाँ ले जाते हैं? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह लोग ले जाते हैं। जी जब आए थे और 1996 में वेटनरी में जब वो बंदी हुए उस समय हम उनको सुबह 8 बजे लिट्टी बना करके दिए। लालू जी बहुत लिट्टी को पसंद करते हैं, अभी भी आप लिट्टी अगर लेके जाएंगे तो पहले बोलेंगे अगर भोला से लिट्टी लाए हो तो पहले खाने दो उसके बाद बात करेंगे। इस तरीका को उनको हमारा लिट्टी पसंद आता है। तो आप जो प्रधानमंत्री भी खा लिए तो उनको भी कभी ना कभी तो हाथ से हम खिलाएंगे ही, इतना हमारा उसमें प्रण मतलब आत्मविश्वास है कि एक ना एक दिन उनको हम अपना हाथ से जरूर खिलाएंगे। इसको खिला चुके हैं? खिला तो बड़े बड़े शहंशाह लोगों के, आडवाणी जी को खिलाए हैं, आपको जो सोनिया गांधी को खिलाए हैं, लालू प्रसाद तो खैर खाते ही आ रहे हैं और अब्दुल कलाम को भी हमारे बड़े भैया खिलाए हैं पटना में। लालू जी के घर के शादी में जाते हैं आप? लालू जी के बड़ी बेटी के शादी में हम गए हुए थे। उस समय निशा भारती का शादी जिस समय हो रहा था उस समय यहाँ से बनाने गए थे और लगभग हम तो लिट्टी बनाए थे, बहुत बड़ा पार्टी था वो तो।
लगभग 50-60 हज़ार लोग आए थे, लेकिन हम तो लिट्टी 3 हज़ार बनाए थे, खाए पसंद किए लोग। उसका जो लिट्टी खाता है उसकी सरकार बन जाती है, तो प्रधानमंत्री जी खाए हैं तो क्या लग रहा है कि आपका नहीं खाया लेकिन लिट्टी चोखा खाए हैं? हाँ, लिट्टी चोखा तो खैर खाए हो, और चुनाव भी होना है बिहार में। कब चुनाव होना है? अक्टूबर नवंबर में, इसी साल में। इसी साल में? हाँ, तो लिट्टी खाएंगे तो सरकार बनेगा उनका। जो लिट्टी खाएंगे उनका सरकार लगा रहे हैं। दुकान हम तो यहाँ लगा रहे हैं 89 से, पिताजी 1956 से थे। अच्छा, उसके बाद से आप लगा रहे हैं? हाँ, उसके बाद से। लाखों की कमाई है महीने की लिट्टी से? लाखों की कमाई तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ 5-7 स्टाफ है, सबका पेट भरता है। इसी से भरता है। हाँ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले तो पटना डिस्ट्रिक्ट के हुए। अच्छा, तो बिहार की लिट्टी और भोला की लिट्टी में कुछ अंतर है? बहुत, आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है? उन लोग जो है कड़ा बनाता है, उन लोग सही ढंग से गहकी को पेश नहीं करने सकता है। और इसमें आपका खास्ता रहता है? ये हमारा खास्ता रहता है, इसको लोग सब पसंद करते हैं। ज़्यादा सत्तू देते हैं? ज़्यादा सत्तू डालते हैं। अच्छा, आप कभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आए थे तो आपका लिट्टी शायद गया था यहाँ? हाँ, अभी गए थे 2 दिसंबर प्रचार अभियान में आए हुए थे खूंटी में, उस समय उनको खिलाने गए हुए थे खूंटी। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री खा चुके हैं लेकिन आप चाहते हैं कि साथ में, मतलब आप अपने हाथ से खिलाएं? जी जी जी, चाहते हैं एक बार मैं अपना हाथ से खिलाऊं उनको। तो टोटल 5 लोग, आप लोग कितने बजे दुकान खुल जाती है? दुकान 5 बजे खुल जाती है। सुबह? नहीं, शाम में। शाम में? दिन भर तैयारी होती है सर। अच्छा, 5 से 10 बजे रात में, 5 घंटे तक दुकान? जी जी। तो देखिए, ये अभी लिट्टी में जो है सत्तू यहाँ पर भर रहे हैं भोला जी, और यहाँ पर लिट्टी सेंका जा रहा है। इनके साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, और साथ ही जो कस्टमर यहाँ पर लिट्टी खाने के लिए आए हैं उनसे भी जानते हैं। कितनी हर दिन लिट्टी आप सेंक लेते हैं चाचा? 700-800 रोज बिक जाता है? हाँ, बिक जाता है। बहुत भीड़ होता है? नहीं, हाँ भीड़ होता है। आप सिर्फ सेंकने का काम करते हैं? हाँ, अच्छे से यहाँ पर सेंका जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से सेंका जा रहा है, और यही वजह है कि तमाम जो भीड़ है यहाँ पर जुटती है। ये देखिए, पीछे एक छोटा सा टेबल है और इस टेबल पर बैठ कर यहाँ भी तैयार किया जा रहा है। आप कितने दिन से हैं इस लिट्टी दुकान? हमारे 10 साल हो गए। 10 तैयार होता है चोखा जो है वो खास रहता है भोला जी का, और यही वजह है कि इस लिट्टी का जो डिमांड है वो काफ़ी है। लिट्टी के साथ साथ दही वाड़ा भी है, और दही वाड़ा खाने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। हमारे साथ कई और लोग हैं। मैडम, बताइएगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिट्टी चोखा खाए हैं, काफ़ी इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। भोला जी का लिट्टी आप कितने दिन से खा रहे हैं? हम तो शादी के बाद से खा रहे हैं। मुंबई से है? अच्छा। तो हमारी शादी में भी थे तो 3-4 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले? मुंबई से है। वहाँ सुने थे भोला का नाम? यहाँ आने के बाद? यहाँ आने के बाद सुने। हमको लिट्टी चोखा ही पता नहीं था, तो यहाँ पे आने के बाद पता चला क्या है। मतलब जब से आए हैं यही से खा रहे हैं। आप सर कहाँ से हैं? यहीं से हैं। अच्छा, कितने दिन से आप खा रहे हैं यहाँ का लिट्टी? इन्होंने चालू किया था जब से होंगे 10 साल से होगा। क्या लगता है कि खासियत है भोला जी की लिट्टी? मुँह में, ये मुंह में मेल्ट कर जाता है, ऐसा वो लिट्टी और कहीं नहीं बनता है। हाँ, बाकी का लिट्टी हार्ड होता है ऊपर का टॉप। अच्छा। इनका लिट्टी पूरा मेल्ट कर जाता है मुंह में। क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ से आए? मैं इधर से ही हूँ, रांची का ही हूँ। हाँ। पैदाइश इधर है। हाँ। मुंबई में रहता हूँ। हाँ। जब भी आता हूँ, और जब से इनका ठेला लगा है यहाँ पर तब से खा रहे हैं। छोटा सा चालू किए थे, अब तो लालू के पास से जब से गए उसके बाद और फेमस हो गए। हाँ। उसके बाद हम लोग खाते ही हैं लगातार। अभी इस बार 4 दिन के लिए आए थे, फिर भी यहाँ आना जरूरी है। वही खाना, इनका लिट्टी मुंबई में भी कहीं पर लिट्टी वाले 1-2 जगह पर खाए। हाँ। लेकिन वो उधर बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा। और यहाँ वाला लिट्टी, ऐसा लिट्टी कहीं नहीं मिलेगा। पटना में भी खाए हैं हम। हाँ। जब जाते थे काम में, पर ऐसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, देख सकते हैं कि कस्टमर काफ़ी यहाँ पर जुटे हुए हैं, और ये भीड़ शाम 5 बजे जैसे ही भोला जी यहाँ पर दुकान खोलते हैं, और उसके बाद से ये भीड़ जुटी है। भी है दही बड़ा है, शुगर फ्री पेड़ा है। हाँ, दही बड़ा भी फेमस है जी। अच्छा, ये प्योर मूंग दाल का है। हाँ। लिट्टी की तरह दही बड़ा भी कस्टमर इसको पसंद करते हैं। दही बड़ा भी आपका फेमस है जी। पेड़ा शुगर फ्री पेड़ा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। मैं, मेरे फादर हुए जी। पिताजी जी, मेरे फादर हुए साथ में।
जी मैं अभी साथ में 2002 से गाइड कर रहा हूँ। आप पढ़ाई लिखाई किए कि? मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद? जी फिर अपने ही बिजनेस में, नहीं नौकरी का मन ही नहीं था। कहाँ से पढ़ाई? हरियाणा। कौन से? मैकेनिकल स्ट्रीम से। मैकेनिकल होके आप लिट्टी बेच रहे हैं? जी अपना बिजनेस था तो सोचे इसी को रन करते हैं, इसी को आगे लेके जाएंगे और आगे सोच भी रहे हैं थोड़ा इसको फूड चैन की तरह इसको आगे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री जब कल खाए तो कितनी खुशी हुई और क्या लगता है कि सचमुच में जो लिट्टी चोखा बेचना भी एक रोजगार है? जी अच्छा लगा कि मोदी जी बिहार में हुनर हाट में खाए, तो मतलब अच्छा लगता है कि बिहारी डिश खाए हैं और इसे प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेट होते हैं आदमी। तो बिल्कुल देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है और यहाँ पर भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, कई लोग हैं जो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर दिन यही भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है और यही वजह है कि जैसा कि यहाँ पर भोला जी ने भी बताया कि हर दिन 800 से 900 लिट्टी जो है वो यहाँ से बिकते हैं, तमाम जितने भी सुविधाएँ हैं उससे ऑर्डर किए जाते हैं और उसके बाद फिर यहीं पर लगा दी। बेटा को इंजीनियर बना है तो बेटा का इच्छा हुआ कि नहीं भाई हम इसको ऑनलाइन बेचेंगे, तो बेटा इसमें लगा हुआ है और ऑनलाइन बेच रहा है अभी, और इसमें लगा हुआ और बढ़िया तरीके से इसका वो कर रहा है। अच्छा बेटा आया तो मतलब थोड़ा हाईटेक कर दिया दुकान को? नहीं जी हाँ ऑनलाइन इसी के आने के बाद हुआ। हाँ ऑनलाइन इसके आने के बाद। ऑनलाइन से कितनी बिक्री बढ़ी है? बढ़िया बढ़ गया भाई। अच्छा मतलब 200-300 ज्यादा लिट्टी बिकने लगा? हाँ लगभग 250 पीस एक्स्ट्रा बिक रहा है ऑनलाइन से। क्या रेट है, कैसे लिट्टी खिलाते हैं? लिट्टी सूखा 50 रुपया प्लेट है, घी वाला 80 रुपया प्लेट है, एक प्लेट में 2 पीस होता है। अच्छा 2 पीस का 80 रुपये? जी मतलब ज्यादा डिमांड है, लोग पसंद घी वाला ही ज्यादा डिमांड है। ज्यादा डिमांड जी। आगे कुछ और प्लान किए, दुकान करेंगे कि ऐसे ठेला ही रहेगा? देखेंगे जब होगा किस्मत में तो बन जाएगा, दुकान भी बन जाएगा। दुकान भी बन जाएगा। हाँ लेकिन एक तो दुकान बनाने का विचार किए हुए हैं। हाँ